ये गाना फिल्माया जा रहा है मुक्ता आर्ट्स की फिल्म 36 चाइना टाउन के लिए। अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में नजर आएंगे करीना कपूर, शाहिद कपूर और अक्षय खन्ना। अब्बास मस्तान की पिछली फिल्म एतराज की तरह ये फिल्म भी एक थ्रिलर है। हम लोग जिस टाइप की फिल्में बनाते हैं मर्डर मिस्ट्री, तो अच्छी लगने लगी कहानी, तो हमने इस प्लॉट के ऊपर काम करते हैं। ये प्लॉट लाके सुभाष जी को सुनाया, सुभाष जी को बहुत अच्छा लगा, इसके ऊपर वर्कआउट शुरू किया। I think I'm privileged to be working with this kind of a team, Mr. Abbas Mastan, Subhash Ghai, and everybody else, Kareena, Akshay Khanna, who I'm working with for the first time. It's always great working with Kareena, and we have a lot of expectations from the film, and we are going to put in our best efforts. रियल लाइफ कपल शाहिद और करीना इससे पहले एक साथ फिल्म फिदा में नजर आए थे। इस फिल्म पर तो ऑडियंसेस बिल्कुल फिदा नहीं हुई, लेकिन इस बार वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी केमिस्ट्री दर्शकों का दिल जीत लेगी। आई थिंक हर फिल्म की कुंडली अलग होती है एंड हर फिल्म का स्क्रिप्ट भी अलग होता है। फिदा वाज अ डिफरेंट स्क्रिप्ट, ये दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। एंड आई थिंक अब्बास मस्तान जी के साथ मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अजनबी हुई थी एतराज एंड नाउ 36 चाइना टाउन, सो लेट्स होप दिस आल्सो फॉलोज दैट रूट। इस फिल्म में हम दोनों के कैरेक्टर्स जो है हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, इस तरह की रिलेशनशिप हमारी पहले की फिल्मों में नहीं थी। मिलेंगे मिलेंगे लव स्टोरी है, फिदा वाज अ थ्रिलर, इसमें भी थ्रिल है, बट दिस इज इट्स अ कॉमिक थ्रिलर आफ्टर खिलाड़ी अब्बास मस्ताना मेकिंग अ कॉमिक थ्रिलर अगेन, सो इट शुड बी फन, इट शुड बी इंटरेस्टिंग, इट शुड बी यंग। वैसे करीना का कहना है कि वो अक्षय की काम की हमेशा से प्रशंसक रही हैं। बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि हलचल के बाद मैं अक्षय खन्ना के साथ काम कर रही हूँ एंड बचपन से मैं जानती हूँ उसको, तो एक ग्रेट एटमॉस्फेयर रहेगा एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ऑल थ्री ऑफ अस। शाहिद कपूर की पिछली चार फिल्में फ्लॉप रही हैं, अब वो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये फिल्म उनके करियर को एक नया रुख देगी।